3, 2, 1. तो क्या हाल चाल? सो फाइनली बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत दिन तक दिल्ली में रहने के बाद, पिछले 5-6 साल, पता नहीं 7 साल, और ये लाइट बंद हो गई हमारी, ये भी आना चाहिए. तो पिछले 7-8 साल से, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे नहीं पता, मैं अभी काउंट भी नहीं करना चाहता, पर दिल्ली में हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं. दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली अकॉर्डिंग टू लाइक पॉश पीपल ना, साउथ दिल्ली पीपल. सो बहुत मन था कि मेरा ड्रीम था कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पे मैं सुकून से काम कर सकूं, और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा वक्त आया कि मेरा सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो मुझे कोई फिजिकली किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर सम प्लेसेस इन इंडिया. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल से. सो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि ये ट्रिप कितनी दिनों के लिए रहने वाली है, क्या है, कितने टाइम तक मैं वहाँ रहूँगा, मुझे नहीं पता. इसलिए जो हम अपने सामान की पैकिंग वैकिंग भी करने वाले हैं वो इसी हिसाब से करने वाले हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक चल पाए. शायद ये 2 दिन का टूर हो, शायद ये 10 दिन का टूर हो, शायद ये 1 महीने का टूर हो, या उससे भी ज़्यादा, मुझे नहीं पता. क्योंकि हम लोग एक वाइब के हिसाब से जा रहे हैं कि बस हमें जाके काम करना है, हम घूमने नहीं जा रहे हैं. घूमेंगे भी, एक्सप्लोर करेंगे, पर एक मैं चाहता हूँ कि सुबह उठूँ, लैपटॉप खोलूँ, आगे पहाड़ हो और खुले में देखूँ चीज़ें, बस इतना सा चाहता हूँ. सो अभी पैकिंग कर रहे हैं और परसों जाना है, तो आज रात को ही हम चीज़ें सारी समेट रहे हैं ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि ये एक लॉन्ग ट्रिप रहने वाला है. इसलिए चलिए जी. तो ये पूरा तैयारी हम लंबे ट्रिप की कर रहे हैं, तो ये कोई छोटा ट्रिप नहीं है. ट्रिप बोलो, टूर बोलो, जो भी बोलना है. तो इसमें यहाँ पे हेडफोन्स हैं जो एडिटिंग के लिए काम आएंगे, मैकबुक है जिसमें एडिटिंग करने वाले हैं, कुछ बैटरी चार्जर्स हैं, ये हब हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चार्ज पे लगानी होंगी, तो इसलिए ये इस टाइप के हब्स ले लिए कि हाँ ठीक है. 3 पॉइंट क्या बोलते हैं, 2.3 पॉइंट, एक 2 TV की हार्ड डिस्क के साथ में जो बैकअप करेंगे. एयरपॉड्स हैं, ये कुछ केबल्स हैं जो कि फ़ोन और लैपटॉप के साथ लगने वाली हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये ज़ोबी का है और बहुत सारे लोग जो प्रो लोग हैं वो इसे यूज़ करते हैं. और बेसिकली अगर आप हैवी कैमरा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बेस्ट इक्विपमेंट है, तो हैंडी भी है, व्लॉगिंग के लिए काम आएगा क्योंकि हम आपके लिए वीडियोज़ आने वाले हैं. फिर उसके साथ यहाँ पे है गोप्रो, जो कि जितने भी टाइम लैप्स होने वाले हैं वो इससे बनने वाले हैं. तो बाकी जिन जगहों पे हम कैमरा नहीं निकाल सकते उन जगहों पे इससे हम शूट करेंगे. और उसके बाद है ये छोटा सा अटैचमेंट है. फिर उसके बाद एक कॉलर माइक भी है, जो अगर कहीं पोइट्री वोइट्री पहाड़ में रिकॉर्ड की तो ये कॉलर माइक से करेंगे. बाकी ये विंड है, उसका विंड कवर है माइक का. फिर उसके साथ एक ये लाइट है जो कि इसलिए यूज़ करने है कि कहीं रात में यूज़ करें तो ठीक है. ये आपको बताइए मैकबुक का साथ में लगाने का है. एक पावर बैंक है जो कि बड़े टूर में बहुत काम आने वाला है. फिर उसके साथ ये एक स्पॉटलाइट है, फिर कुछ बुक्स हैं, और ये हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया है बस. तो बाकी कैमरा इक्विपमेंट मैं दिखा देता हूँ. कैमरा में यहाँ हम लेके जा रहे हैं, एक है वाइड एंगल लेंस है, एक 50mm लेंस है, कुछ ND फिल्टर्स हैं. ND फिल्टर्स जिनको नहीं पता, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ हमारे जो कैमरा थे ये हमने ये नहीं लेके जा रहे, तो इसमें डाल दिया, अभी इन्हें सेट करूँगा. और उसके साथ यहाँ पे है ये कुछ वायर्स हैं जो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, जो मैं पहले यूज़ करता था. और यहाँ पे है हमारा ड्रोन जिसे हम वहाँ पे उड़ाने वाले हैं और बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट लेने वाले हैं. सो ये तो हाल था उन चीज़ों का जो हम लेके जा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें जो भी हमारा इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाला है
और उसके अलावा जो एक बैग अलग से होगा जो कपड़ों का और बाकी डेली यूज़ में जो इक्विपमेंट्स आते हैं, इक्विपमेंट बोल रहा हूँ कैमरा यूज़ कर करके सब कुछ इक्विपमेंट, तो डेली यूज़ में जो चीज़ें आती हैं जैसे ब्रश हो गया, ड्रायर वगैरह, ये सब चीज़ें, तो वो हम एक बड़ा बैग पैकअप कर रहे हैं, उसको हम लेके जाएंगे। सो ये हो रहा है, उससे पहले हम लोग हेयर कट कराएंगे, चीज़ें करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदनी है तो वो वहाँ से लेने जा रहे हैं अभी बाहर, और दिखाता हूँ क्या क्या ले रहे हो, ताकि इतने बड़ी ट्रिप है तो इसको प्लान आउट करने में भी उतना ही टाइम लगता है, तो मैं एटलीस्ट अभी 1 डे, एक दिन बचा है तो एक दिन पहले ही सब कुछ पैक कर रहा हूँ कि कुछ रह ना जाए, क्योंकि अगर रह जाता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम वहाँ पे चीज़ें खरीदें और मे बी वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिले भी ना। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैंने बताई नहीं, दिस इज़ कैम लिंक, जो कि वहाँ से लाइव स्ट्रीम करने में काम आएगा, तो वेबिनार्स वहाँ भी होंगे। अब वाईफाई वगैरह देखते हैं कैसा कनेक्शन होगा, बट वहाँ से भी वेबिनार्स हम कंडक्ट करेंगे, और दिस इज़ द थिंग जिससे हम कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे और एक HD वेबिनार हम वहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, और अभी जा रहे हैं हम बाहर कुछ और सामान लेने, और फिर मिलते हैं। तो फाइनली बैटरी चार्ज पे लगा दी है सारी, और ऑलमोस्ट रिमोट चार्ज हो चुका है, GoPro इज ऑलमोस्ट चार्ज्ड, और ये गिर गया हमारा एक्शन कैमरा, लुक एट दिस, ये मैंने तोड़ तो नहीं दिया, पता नहीं, नहीं टूटा तो नहीं है जहाँ तक मेरा अनुमान है। ट्रिप से पहले नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं, ये टूटा नहीं है, ये डिटैचेबल है शायद ऐसा, हाँ सही है, तो ये थोड़ा एक्शन कैमरा है तो ऐसे गिरने पड़ने से इसको कुछ होता नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, अगर ये ऑन हो जाए तो। नहीं, ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है और चल रहा है, तो इससे भी हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, अच्छी बात है। ये चार्ज हो चुका है 98%, ये चार्ज है, रिमोट चार्ज हो चुका है, अब साइज ये चार्ज हो जाएगी। फिर अभी जा रहे हैं हम कुछ सामान बाहर से लेने जो कि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, फेस वॉश वगैरह, और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। दिस इज़ अवर राइड फॉर टुडे, मैं इसको चला के जाने वाला हूँ क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी गई हुई है वॉशिंग के लिए, तो ये मेरी दीदी की स्कूटी है, तो इसको चला के हम जाएंगे मॉल में, और कुछ छोटा मोटा सामान जो ट्रिप के लिए चाहिए वो लेके फटाफट आते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं दिल्ली की सड़कों पर, और हमारे पास GoPro नहीं है, तो हमने क्या किया, एक आदमी ने मेरा फ़ोन पकड़ रखा है, लाखों रुपए हमने दांव पे लगा दिए ये व्लॉग बनाने के लिए, अभी आपको दिखा नहीं सकते, कैसे दिखाएं, एक बंदा पीछे से मुझे हग कर रखा और आगे पकड़ रखा है, और हम चला रहे हैं, आवाज़ आ रही है कि नहीं वो भी नहीं पता, आ जाएगी। तो ये दो कैप ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, ये दो कैप्स हैं, अच्छी लगेंगी ब्लैक के साथ, रेड जैकेट है मेरे पास उसके साथ, और दिस वन इज़ लाइक ब्लैक, और इस साथ में सॉक्स के कुछ पेयर है, और देखते हैं क्या लेना है। तो दिस इज़ द टी शर्ट आई एम बाइंग, और ठीक है, अच्छी लग रही है, जैकेट जैकेट के भी ऊपर अच्छी लगेगी, और देखते हैं क्या सही है। सो ये ले रहा हूँ, और साथ में कुछ कैप्स वगैरह, मतलब अगर पसंद आ गई तो इसलिए ले रहा हूँ। फाइनली सारा सामान आ गया, क्या लेके आए हैं हम वहाँ से बता देते हैं। टी शर्ट्स लाए हैं, जो मैंने आपको टी शर्ट दिखाई थी, तो ये टी शर्ट्स हैं कुछ, उसके साथ ये कार में एक फ़ोन होल्डर है, फिर उसके साथ में चप्पल वप्पल ये उसकी हैं, साथ में जो एक जा रहा है टीम मेंबर, कुछ कैप्स हैं, ये कैप ली हैं ताकि वहाँ पे मेरे बाल वाल सेट नहीं रहते हैं। दिस इज़ कार चार्जर, ज़रूरत पड़ने वाली है, सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्सेस बहुत ज़रूरी हैं, तो 3-4 सॉक्स होने चाहिए, ये उन्होंने हमें फ्री शुगर दिया, तो ये मुझे नहीं तो चाहिए पर घर पे रख देंगे। फिर उसके बाद बिस्किट्स लाए हैं, ये वाले बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, तो ये बिस्किट्स लाए हैं। उसके बाद है ये बॉडी वॉश, उसके साथ में ये तेल, वो साथ में जा रहा है उनका है, और उसके साथ फिर ये है कॉफ़ी जो कि बहुत ज़रूरी है,
तो एक कॉफ़ी पैकेट लेके जा रहे हैं। फिर है अचार, वहाँ पे पराठे वगैरह कुछ बनाते हैं तो अचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने अचार रख लिया है। और है साथ में और सॉक्सेस, ये टी शर्ट मैंने आपको पहन के दिखाई थी, ये वो टी शर्ट है, तो एक ये टी शर्ट है। तो दैट्स इट, आई थिंक ये सारा सामान पैक हो रहा है और निकलेंगे हम अब कल। सो जैसे कल निकलते हैं वी विल लेट यू नो, ठीक है, ओके। सो ये थी तैयारी हमारी और होप सो कि आप इस ट्रिप में हमारे हर एक ब्लॉग को देखेंगे। और हर एक ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले ब्लॉग्स जो भी इस ट्रिप के दौरान बन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हम, वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। बस अब ये है कि निकल रहे हैं, आई डोंट नो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब लौटेंगे कब नहीं लौटेंगे कुछ पता नहीं है, पर निकलना ज़रूरी है। तो वो डायलॉग है ना मूवी का कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और लेट्स सी कि कब कहाँ कब पहुंचेंगे वो देखा जाएगा, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े करते रहिए।